बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम, पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम। मैं हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है, नहीं मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है, हमारे जो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे। बिहार के सियासत से जुड़े इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है। देखिए, आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल भी थमा दिया है। अब आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव को यहां बड़ा झटका लगा है। देखिए, कांग्रेस के साथ हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था, लेकिन पप्पू यादव को अब टिकट नहीं मिला अब तक, और बीमा भारती को सिंबल थमा दिया है आरजेडी ने, लालू यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा रणनीति, बड़ा प्लान और महागठबंधन के अंदर अब एक और बड़ा घमासान, क्योंकि पप्पू यादव तैयारियों में थे। लंबे समय से पप्पू यादव की तैयारी पूर्णिया लोकसभा सीट पर थी, पूर्णिया की जनता के बीच गए थे और लाखों का भीड़, प्रणाम पूर्णिया कैंपेनिंग के आखिरी दिन पप्पू यादव ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जुटाया था। इसके बाद पटना गए पप्पू यादव, लालू यादव से मुलाकात की, दिल्ली गए, कांग्रेस के नेताओं से बात हुई और अगले ही दिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का विलय करा दिया था। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि रुपौली की विधायक बीमा भारती, जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई है, उन्हें सिंबल मिल चुका है। देखिए, ये सिंबल लालू यादव ने दिया है, लालू यादव की मैं बात कर रहा हूं, और ये सिंबल आज नहीं, पहले ही लालू यादव ने थमा दिया था बीमा भारती को, जब लालू पटना में थे, यानी होली से पहले ही खेला पप्पू यादव के साथ लालू यादव ने कर दिया था। और पूर्णिया से पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है महागठबंधन में। खैर, पप्पू यादव का अगला फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीमा भारती की जहां तक बात है, बीमा भारती ने अब साफ तौर पर कहा है कि 3 अप्रैल को वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेगी, और उन्होंने यहां तक कहा है कि पप्पू यादव से भी आशीर्वाद मिल गया है। क्या कह रही है बीमा भारती, जरा वो सुनिए। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले, सभी साथ है। नहीं, हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है आपको, हम दिखा भी देंगे, मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कन्फ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जो लोग में जो राजद अपना घोषणा क्यों नहीं कर रहे? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी, और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन क्या होगा? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं।
नॉमिनेशन। हाँ नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है? नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है हमारे, जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हम। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, गार्जियन है तो बात होना ही है, गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं। तो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को सिंबल मिल चुका है और सिंबल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी है। देखिए, लालू यादव दिल्ली रवाना हुए होली से ठीक एक दिन पहले, जब बिहार होली का त्यौहार मना रहा था 26 मार्च को, तो 25 मार्च को ही जो है वो रवाना हो चुके थे दिल्ली के लिए और दिल्ली में जाकर एक बड़ी प्लानिंग की। लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद ने रणनीति के तहत सिंबल थमा दिया था बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर बीमा भारती को। देखिए, मत्था पिची अब भी जारी है, दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है और ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट करेंगे, क्योंकि जनता के बीच जाकर पप्पू यादव ने समय गंवाया है, समय दिया है, पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को आश्वासन दिया है। लेकिन इन वक्त पर सिंबल मिल चुका है बीमा भारती को, रुपौली के विधायक को, तो बिहार में महागठबंधन के अंदर दरार नजर आ गया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।